कहाँ से शुरुआत करूँ, मुझे ऐसे कुछ अच्छा शब्द या लाइन नहीं मिल रहा है, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा कमाने के रिगार्डिंग है, रोज़गार के रिगार्डिंग है, अपना जो ज़िंदगी है उसको थोड़ा सा सेफ करने के लिए ये ऐसा ऐसा चीज़ बता रहा हूँ मैं। देखो, सबसे बड़ी बात तो जो पैसा को लात मारते हैं और जो ऐसा सोचते हैं ना कि वो क्या कहेगा मैं ये काम करूँगा तो, और फैमिली क्या कहेगी, तो भाई ऐसे लोग ना भीतर चले जाते हैं, मतलब कि वाट लग जाती है उनकी। तो पैसों को महत्व दो और अपने इनकम के जो सोर्स है उसको बढ़ाने की कोशिश करो। एक दो तीन, अगर एक फ्लॉप हुआ तो दूसरा स्टार्ट होगा। सिर्फ ब्रीडिंग पे रहना अच्छी समझदारी की बात नहीं है कि आप जर्मन ब्रीडिंग कर रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर ब्रीडर को ब्रीडिंग कर रहे हो, ब्रीड कर रहे हो और उस सोच रहे हो कि आप सक्सेस हो जाओगे, नहीं भाई, ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी, दलदल है, कैसा फंस जाओगे। ठीक है, ये बहुत देख रहा हूँ मैं, बहुत बहुत देख रहा हूँ मैं, अंदर अंदर सब क्या है, बाहर में क्या है, वो बिल्कुल दो दुनिया होती है एक ब्रीडर की। अंदर वाला चीज़ जो सिर्फ ब्रीडर जानता है, बाहर वाला चीज़ जो दुनिया जानती है कि ये है। और जितने कैनल देखते हो, जो कार में BMW में लोग शो कराने ले जाते हैं, भाई उनके पास ऑलरेडी पहले से पैसे होते हैं, कुत्ता बेच के पैसा नहीं कमाए हुए होते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को ब्रीडिंग के लिए एडल्ट फीमेल चाहिए, मेल चाहिए, नहीं सक्सेस कर पाओगे कभी यार, नहीं सक्सेस। ये लिविंग थिंग है, ये साइड से रखो और जो पैसा कमाने का जो और जरिया है उसको बढ़ाओ। अभी जैसा ना फोकट का है, यूट्यूब वगैरह का जो सिस्टम है कि यूट्यूब पे डालो और यूट्यूब पे वीडियो डालो और अच्छा अगर चल गया, लोग पसंद करने लगे तो उससे ही पैसा आता है। यूट्यूब पे सर्च करके देख लो ना कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाए, ऐसा कर डालो, अपना घर वर का चीज़ डालो, कहीं घूमने उमने जाते हो ऐसा कर दो। मैं ढाई साल हो गए मैंने मोनेटाइज नहीं किया, अब यूट्यूब से अच्छा इनकम कर सकता था मैं, लेकिन मैंने नहीं किया, बेवकूफ़ी कर दी मैंने, तो अभी मैं वो चीज़ को सुधारने वाला हूँ। ठीक है, अभी हाँ खैर कोई बात नहीं। अभी ये जो ब्रीडिंग के लिए जो जो लोग फ़ोन करते हैं ना, वो उनको समझा दो, मैं उनसे पूछता हूँ कि अकाउंट में कितना पैसा है, क्या बिजनेस करते हो, एज कितना है, शादीवादी है कि हुआ कि नहीं, बच्चे पैदा हुए कि नहीं। तो बहुत लोग को थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि भैया मेरे को कुत्ता खरीदना, आप ऐसा पूछते क्यों हो। तो भाई पता है क्यों ऐसा पूछता हूँ, एक मिनट दिखाता हूँ मैं। दिखाई दे रहा है, ये है मेरा दो बच्चा, एक है 35,000 का है, एक 20,000 का, तो मिला के कितने हुए 55,000। और उधर खुद रहा है गड्ढा, तो पैसा तो जाता ही है, लेकिन जो अटैचमेंट होता है बच्चों के साथ, साला मेंटल जो प्रॉब्लम होता है वो भी, हरासमेंट, ठीक है, वो सारा चीज़ ख़त्म। इतना मेहनत करके पाला बच्चा, उसके बाद पता नहीं पार्वो नहीं हुआ तो डिस्टेम्पर है, डिस्टेम्पर नहीं हुआ तो हाई फीवर है, हीट स्ट्रोक है, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा तुम्हारे हाथ का। तुम्हारे बड़े बड़े डॉक्टर के, वेटनरी डॉक्टर के यहाँ डॉग मरते हैं, बड़े बड़े ब्रीडरों के यहाँ मरते हैं। मेरे को ऐसा लगता था किसी मेरे यहाँ ऐसा होता है, फिर बात करके अगर पूछोगे किसी ब्रीडर से या कुछ, सभी अपना कहानी स्टार्ट कर देंगे बताना, नहीं मेरे साथ भी ऐसा होता है, लीटर ख़त्म हो जाता था, प्रेग्नेंट फीमेल मर जाती है, बच्चे होने के बाद मर जाते हैं, बहुत बहुत। इसीलिए मैं पूछता हूँ भाई कि अकाउंट में कितना पैसा है, साइड से क्या काम करते हो। और बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को अभी पैसा नहीं है, जॉब नहीं है और ये, तो मैं मना कर देता हूँ, बोले ना मत करो, आज तुम्हारे साथ कुछ अगर अनहोनी हो जाएगा तो कल को क्या करोगे तुम, चोरी करना स्टार्ट कर दोगे, झूठ बोलना स्टार्ट कर, टोपीबाजी करना स्टार्ट करोगे। मजबूरी में करता है, बहुत लोग का शौक होता है, ठीक है, बहुत लोग ना मजबूरी में करते हैं ये सब गलत काम। तो इन चीज़ों को समझ लो भाई। और YouTube वाला जो मैंने बताया, YouTube होता है, Facebook पेज होता है, आओ यार आओ, देखो कहाँ कहाँ के लोग जो कि बोलना नहीं जानते थे, आज साला प्रैक्टिस कर करके कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुमसे जुड़ा हुआ है फैमिली। मैंने बहुत गलत किया भाई, मेरे को पता है मैंने बहुत गलत किया, अभी तक गलत ये किए हैं कि पैसे को कभी महत्व नहीं दिया, ठीक है। तो सीखो, जो मैंने गलती की उस गलती से मैंने सीखा और अब मेरे को लगता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और आप लोग को भी बता रहा हूँ कि भाई देख लो, ये हाल होता है। तो ब्रीडिंग करना उसको शौक के तरीके से कर सकते हो। अब सोच रहे हो कि नहीं ये ब्रीडिंग करके पैसा कमाना है, तो उससे अच्छा चाय की दुकान खोल लो, उसमें ज़्यादा पैसा है। देखो लॉस भी देखोगे ना, ये नहीं देखोगे 50,000 का बच्चा बिक रहा, मेरे बारे में सब यही बोलते करोड़पति आदमी लगता है, भाई चलो ठीक है बेचता हूँ मैं,
एक ये क्या है, मैं दिखाना नहीं चाहता था। बहुत ही बहुत बहुत कॉल्स आते हैं, साउथ से भी बहुत कॉल आते हैं, हैदराबाद, बैंगलोर, कर्नाटक, उधर उस साइड से भी, ऐसा करके ब्रीडिंग करना है अपने को, अपने को ऐसा करना वैसा करना करके। भाई इतना सिंपल नहीं होता है। और हो गया क्या गड्ढा हो गया? वो साइड साइड से पेड़ निकाल दो ना, वो साइड वाला। बड़ा दिमाग का दही कंट्रोल में नहीं रहता यार। तो ये कर लो और यूट्यूब वगैरह पे वीडियो डालो, आज नहीं एक साल बाद यार, दो साल बाद एक ऐसा पौधा है ना कि जो फल देगा ही देगा, कभी ना कभी देगा, एक साल बाद देगा। किसी को जल्दी रिटर्न मिल जा रहा है यूट्यूब से, किसी को सालों लग सकते हैं। और क्या है कि आपने अपने आप को शेप मिलाओ, सीखो, नहीं बकचोदी करने आता, मतलब नहीं बोलने आता है तो बोलने का प्रैक्टिस करो, ठीक है, सीखो कि लोग कैसे बोल रहे हैं। और ना एक और बात बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे आने का मतलब ये नहीं कि बस आ जाओ अब जो बकना है बक दो ऐसा गूगल पे देख के, नहीं 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 सीखो, रिसर्च करो, एक्सपेरिमेंट करो। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ ना क्या कि आ जाते हैं, उनको जो सही लगता है वो बक देते हैं। भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, आपको हज़ारों लोग सैकड़ों लोग देख रहे हैं तो आपको फॉलो करेंगे, तो आपने जो बोला है उसको वो करने की कोशिश करेंगे, यूज़ करेंगे। आपने अगर गलती से भी गलत बातें बताई तो इसका इम्पैक्ट गलत पड़ेगा लोगों पे। तो पहले सीखो, बोलो, बोलने के लिए क्या है भाई, पैसा वैसा का ख्याल रखो, पैसा को वैल्यू दो, नहीं तो भाई रोड पे आ जाओगे, बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने ये फील किया है, महसूस किया है अभी तक, मतलब मेरे को लगता है कि एक महीना तीन दो से तीन महीने में लाखों रुपये के बच्चे मेरे स्वाह हो गए। ये तो मैं ऐसे ही, इसके पहले ही मैंने बहुत कबड़ खो दी है। आज ऐसा मूड किया, कल मेरे को ना एक हैदराबाद से कॉल आया था तो मेरे को वो याद आया, वो रहा मेरे को याद कि उसका एक बच्चा भी है और वो इसको ब्रीडिंग करना चाहता है पैसा कमाने के लिए, तो मेरे को वो चीज़ याद था। तो मैं सोचा चलो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा लोगों को समझाने का, दिखाने का, दिख रहा ना, तो समझ गया। तो हाँ और भी ऐसा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा और मैं समझाऊँगा। देखो अभी तक ना ऐड वैड नहीं आता था मेरे में, लेकिन मेरे को लगा मेरी फैमिली है, मेरे कुत्ते हैं, मेरे बच्चे, मतलब बच्चे नहीं है, वही कुत्तों को बच्चे बोल रहा मैं, तो उनको अगर पालना है, अच्छी ज़िंदगी देनी, तो पैसा लगेगा। और अगर मैं पैसा नहीं कमाऊँगा तो उनको अच्छी ज़िंदगी नहीं, मतलब कि अगर ना ईमानदार, मतलब ज़्यादा अगर अपने उसूलों पर चलना है तो भगत सिंह बनो। भगत सिंह ने शादी नहीं करी थी, ठीक है, वो घर से निकल गए थे बेचारे, देश के लिए कुर्बान कर दिया उन्होंने सारा कुछ, अपनी फैमिली, अपने आप को, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ बात नहीं करने आता है, पैसा देने के बाद मांगते नहीं हैं, नहीं मेरे पास जिनका जिनका रहता है वो आज ना कल मैं दे देता हूँ सूद के साथ उसकी कोई टेंशन नहीं है, अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ। लेकिन लोगों को बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, मैंने देखे हैं बहुत सीधे सीधे लोग होते हैं, उनको बात ही नहीं करना आता, तो ऐसे लोगों के लिए बिजनेस नहीं है, ठीक है। मेरे को भी याद है जब मैं स्टार्टिंग किया था इलेक्ट्रॉनिक्स से, मेरे को भी बात बात नहीं करना आता था, जो आ रहा है उल्टा पुल्टा सिखा रहा है, मैं सीख जा रहा हूँ। अभी देखो एक नंबर कदम हरा, मतलब अभी सीख रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा सा ठीक ठाक अभी कंडीशन है, आगे दो तीन सालों में और भी अच्छा हो जाऊँगा। अपने आप को सीखो, शार्प करो। तुम सबसे, देखो सबसे अच्छा गुरु कौन होता है? खुद, खुद को सिखाओ। गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, खुद को सोचो, आत्म मंथन करो, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। किसी को देखने के बाद ही समझ में नहीं आता है। अब मैं ये बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि अगर कुछ जो लोग देख रहे हैं और जो प्रोग्राम बना रहे हैं कि ऐसा करने का, जिनके मंदी से गुजर रहे, तो वो भैया मोबाइल पकड़ो, फ्री फंड में यूट्यूब में वीडियो बनता है, कहीं घूमने जा रहे हो बनाओ, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेन करो लोगों को यार, बेरोजगारी से अच्छा ये काम कर लो, ठीक है। साल भर अभी पढ़ाई लिखाई करते हो ना, 14-15 साल पढ़ते हो ना जी, 30-35 हज़ार रुपये कमाने के लिए, तो क्या दिक्कत है, एक दो साल बनाते रहो, डालते रहो। मैंने एक दो आदमी को भी देखा है, व्यूज़ आते हैं उसे कितने, 20 व्यूज़ हैं, 100 व्यूज़ हैं, 200 व्यूज़ हैं, लेकिन भाई हिम्मत की दाद देता हूँ मैं, मतलब देख रहा हूँ कि साला डेली का डेली व्यू डाल रहा है बंदा, मतलब मस्त काम है भाई। ऐसे बंदों को मेरे तरफ से सल्यूट है, जो कि शर्माते नहीं है, जो कि अपने आप को छोटा नहीं समझता है, ठीक है। तो करो यार, करो, अभी बोलते रहूँगा तो आधा घंटा लग जाएगा बोलने में, बस मैं चाहता हूँ समझ लो इन चीज़ों को, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो साइड से अपने आप को मजबूत रखो, अपनी फैमिली, तुम्हारा अगर गलत एक गलत कदम उठाया हुआ जो होता है ना, वो तुम्हारे फैमिली पे को इफ़ेक्ट करेगा, असर करेगा, ठीक है। तो याद रखना तुम्हारे पीछे फैमिली है। तो मैं ये चीज़ सोच नहीं पाया था, लेकिन अब थोड़ा सा
सोच रहा हूँ। चलो क्या क्या गड्ढा, चलो ठीक है बाय बाय, मेरा गड्ढा तैयार हो गया। बहुत बुरा वक्त है ये, बहुत तकलीफदायक चीज़ होता है भाई, इसलिए बोल रहा हूँ प्रिपेयर रहूँ।